हेलो डियर स्टूडेंट, ये थर्मोडायनेमिक्स का अनदर वीडियो है। तो बच्चों, इसमें हम बात करने वाले हैं प्रोसेस की, ठीक है। तो प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म जिससे सिस्टम अपनी स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। जैसे कोई भी सिस्टम है, जैसे आपने कहा ये सिस्टम है, तो इसका जो है P1 V1 T1 है ना, ये कोई इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। और ये यहाँ से कहाँ पे चला गया, दूसरे स्टेट में, P2 V2 और T2, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो P1 V1 T1 और ये जो P2 V2 T2 है, इसको हम लोग स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, है ना। जैसे कुछ भी नेचर में हो रहा है तो उसमें देयर मस्ट बी समथिंग चेंज, है ना। कुछ चेंज होगा तभी तो आपने कहा कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है तो वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो चेंज किसकी होती है, प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सिस्टम स्टेट ए में है और ये स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि अगर कोई आइडियल गैस है, ठीक है, और वो यहाँ पर है, ये प्रेशर है, इधर क्या है, वॉल्यूम है, तो ए से ये बी पे जाएगा, है ना। तो जब ए से बी पे जाएगा तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर का कोऑर्डिनेट होगा, वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस रास्ते से जाता है, कैसे जाता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब होता है द मैकेनिज्म थ्रू विच सिस्टम चेंजेज इट्स स्टेट, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस दो टाइप का होता है, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो, और इसलिए अगर स्लो है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट टाइम ऑफ कंप्लीशन। रिवर्सिबल इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम जो होता है हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। और इक्विलिब्रियम जो होता है वो तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है बच्चों, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तीन टाइप का होता है। इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इसके अंदर हम बात करते हैं केमिकल, ठीक है, केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा और थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम होगा मतलब डीटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मैकेनिकल का मतलब होगा नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, नेट प्रेशर, ठीक है। नेट फोर्स या नेट प्रेशर ये क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो क्या है, केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें जो भी है नेट फोर्स, ठीक है, या जो नेट प्रेशर है, ये क्या होगा, जीरो होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कंपोजिशन इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंपोजिशन कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं होगा, है ना। यानी कि वो इक्विलिब्रियम पे है, जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो, ए गोज टू बी, ठीक है। ए नॉट, ए नॉट माइनस एक्स और एक्स, अब ये जो एक्स है अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास है, जब चेंज होना बंद हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम मीन्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। प्रीवियस स्टेट कैन बी रिस्टोर्ड, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्शन प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो प्रीवियस स्टेट पे हम वापस जा सकते हैं। अगर हम ए से बी पे गए हैं तो वापस हम बी से ए भी आ सकते हैं, उसी रास्ते से, सेम रास्ते को फॉलो करते हुए, सेम रूट को फॉलो करते हुए, ठीक है जो, सेम रूट को फॉलो करते हुए हम वापस आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये रिवर्सिबल है, तो एक ही चीज़ है जो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल, क्योंकि अगर रिवर्सिबल है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, या जो नेट प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, या डीपी क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, ठीक है। तो जैसे मानते हैं कि ये पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, ठीक है, और ये जो है इसको कोई कंप्रेस कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो जब ये कंप्रेस कर रहा है तो कैसा होगा, वेरी स्लो कंप्रेशन। अब ये वेरी स्लो कंप्रेशन हो क्यों रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो अंदर का प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है वो क्या होंगे, प्रैक्टिकली सेम रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर आपने इधर 10 न्यूटन लगाया तो इधर कितना लगाया होगा, से 9.9999999 ऐसे कुछ न्यूटन होगा, ठीक है। तो ये इन्फाइनेटिसिमली क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी ये धीरे धीरे कंप्रेस होता रहेगा।
तो यही हमने बोला है पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। तो यहाँ पे डी पी क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल विल बी सेम। ग्राफ क्या होता है इसका, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल में कोई भी कंटिन्यूस ग्राफ होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। जो भी होगा वो कंटिन्यूस लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, ठीक है, हाइपरबोला हो सकता है। तो ऐसा जो भी आपको प्रोसेस दिया है इसका मतलब वो रिवर्सिबल की ही बात हो रही है, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो होता है वो फाइनाइट स्टेप का होता है, ठीक है, और ये एब्रप्टली होता है, अचानक से ऑल ऑफ सडन हो जाता है, ठीक है। अब देखो इरिवर्सिबल को समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, ठीक है, एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, और अभी ये कहाँ पे है, रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट में है। और इस पे हमने जैसे मान लेते हैं 40 kg रखा हुआ है, और इसके ऊपर और लिखा हमने 30 kg, ठीक है। मान लेते हैं दो ब्लॉक है। तो ये जो अंदर जो यहाँ पे गैस फील्ड है, ठीक है, ये जो गैस फील्ड है, तो इसका प्रेशर कितना होगा बच्चों? तो आप लिखोगे प्रेशर ऑफ गैस है ना इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, mg होता है, ठीक है, अपॉन एरिया, क्लियर। यहाँ पे आप देखोगे तो कितना है, 40 + 30, ये टोटल मास हो गया, इंटू जी लिखोगे, डिवाइड बाई एरिया लिखोगे। नॉट ओनली दिस, अगर ये एटमोसफियर में रखा है तो आप इसमें 180 m भी ऐड करोगे, ठीक है बच्चों। तो वॉट इज दिस एरिया, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो पिस्टन है इसका जो एरिया है, ठीक है, यही है। तो प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि कहाँ पे ये रेस्ट में है, तो रेस्ट का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो ठीक है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ सडन ये जो 30 kg है इसको हम हटा लेते हैं, इसको हम पहले होल्ड कर लेते हैं ना, यहाँ पे स्टॉपर लगा लेते हैं, इसको होल्ड कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये 30 kg हटा के एक साइड में रख देते हैं, ठीक है, साइड में रख देते हैं। तो अब यहाँ पे केवल क्या रखा है, 40 kg रखा हुआ है, पिस्टन को अभी होल्ड किया गया, क्लियर। और यहाँ पे 30 kg क्या है, साइड में यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। नाउ जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, अनलॉक करेंगे, अभी क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? अभी तो ये लॉक्ड है ना, तो ये ऊपर जाना तो चाह रहा होगा, क्यों जाना चाह रहा होगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर जितना वेट चाहिए था अब उतना है नहीं, है ना। ऊपर 70 kg वेट चाहिए था, बट 70 kg नहीं है। तो अगर आप इसको क्या करोगे है ना, तो जैसे ही इसको अनलॉक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा इसलिए ऊपर जाएगा। अभी कब तक ऊपर जाएगा, जब तक अंदर वो बाहर का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। तो हमारा जो इनिशियल स्टेट होगा ना बच्चों, ये इनिशियल स्टेट यहाँ से स्टार्ट होगा, क्लियर। ये इनिशियल स्टेट होगा, और जैसे ही आपने इसको अनलॉक किया इस पिस्टन को, अब ये पिस्टन जो होगा ऑल ऑफ सडन ऊपर जाएगा, और ये जब तक ऊपर जाएगा तब तक क्या होगा, तब तक एटमोसफियर का प्रेशर चेंज नहीं होगा, और ये जो उसके ऊपर रखा हुआ जो 40 kg का ब्लॉक है ये भी क्या होगा, ये भी सेम रहेगा, है ना। क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा। तो इनिशियल स्टेट ये है, और फाइनल स्टेट जो है ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फाइनल स्टेट यहाँ तक एक्सपेंशन हो गया, अब उसके बाद ये तब तक ऊपर गया होगा जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर सेम ना हो। पिस्टन का मास क्या है, जीरो है, मासलेस पिस्टन है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही एक अच्छी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर पी एक्सटर्नल क्या रहेगा बच्चों, कॉन्स्टेंट रहता है। कहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है, जब ऑल ऑफ सडन है ना, हमने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया एंड उसको रिलीज किया है, क्लियर बच्चों। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, क्रिएट होता है ना, क्रिएटेड होता है, और कितना होता है, फाइनाइट होता है, नॉट इनफाइनाइटिसिमल स्मॉल होता है, फाइनाइट होता है, मतलब ये डेल्टा पी से ज़्यादा होगा, ठीक है। और डेल्टा पी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो जैसे इस केस में क्या होगा, पी एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो क्या है, पी इंटरनल माइनस डेल्टा पी है बच्चों, है ना। और डेल्टा पी क्या है, वही है जैसे पी इंटरनल माइनस डेल्टा पी, माइनस क्या है, 30 × g अपॉन एरिया, ये है। और पी इंटरनल जो पहले आपने निकाला हुआ है ये है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, ठीक है बच्चों, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एक्सटर्नल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ह्यूज डिफरेंस इन प्रेशर होता है, ठीक है, बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और दूसरी चीज़ है कि इसमें पी एक्सटर्नल क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कंप्रेस करेंगे तब भी कांस्टेंट कभी करेंगे, पहले प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, पिस्टन को पहले लॉक कर देंगे और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देंगे।
उसके बाद हम इस पिस्टन को छोड़ देंगे, अनलॉक करेंगे। तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं अंदर बाहर का प्रेशर 100 atm है और अंदर का प्रेशर कितना है 10 atm है, ठीक है, तो क्या होगा, ये 100 atm इसको तब तक अंदर धकेलता जाएगा जब तक अंदर का भी प्रेशर 100 ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होगा बच्चों, है ना, ये क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होगा, है ना। जैसे अगर आप गैस सिलेंडर है ना, गैस काफ़ी है ना टाइटली भरा हुआ है, जैसे बलून होता है ना, जैसे बलून है तो सिंपल बलून को देखो, इसमें गैस भरी है, ठीक है, एयर भरा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे हम इसको, ठीक है, निडल से, ठीक है, जैसे ही इसको छिद्र क्रिएट करेंगे, होल क्रिएट करेंगे, ऑल ऑफ सडन क्या होगा, पूरी गैस बाहर आ जाती है और ये ब्लास्ट करता है ना ऑल ऑफ सडन। तो ये बहुत ही है ना फाइनाइट टाइम में होता है और ऑल ऑफ सडन होता है, अचानक होता है और सिस्टम इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। ये है कुछ बातें आपको हमने समझाने की कोशिश की है। तो ग्राफ इसका बच्चों क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, तो स्टेट ए से स्टेट बी के बीच है और बीच में क्या हुआ, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आप कोई भी ग्राफ तभी बना सकते हो जो हर एक पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, उसका प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी, जैसे यहाँ प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम है, तो इसका ग्राफ आप तभी ड्रॉ कर सकते हो ना जब हर एक पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम पता होगा। हमने क्या किया, अचानक से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके छोड़ दिया, ठीक है, तो ये अचानक से क्या होगा बच्चों, कहीं ना कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। फिर अब दूसरा है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पे, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। जैसे ये प्रेशर और वॉल्यूम है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे ये भी है, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे आइसोथर्मल का मतलब क्या है बच्चों, जैसे ये है, ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब ये नहीं है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्यों, जैसे यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम है, सपोज कर लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कितना है, से 1 लीटर है, ठीक है, और प्रेशर कितना है, से 10 atm है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं कितना है, 10 लीटर है, और प्रेशर क्या है बच्चों, 1 atm है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हो, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू एन आर टी लिखोगे, और ये क्या लिखोगे, पी टू वी टू ये लिखोगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो ए और बी का टेम्परेचर क्या है, सेम तो है, बट इस दिए प्रोसेस जो है आइसोथर्मल नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ का अगर आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, यहाँ कोऑर्डिनेट निकालोगे, यहाँ कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो इनका जो प्रोडक्ट करोगे प्रेशर और वॉल्यूम, ये प्रोडक्ट सेम नहीं आएगा। प्रोडक्ट सेम कब आएगा, जब वो रिक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है, जब वो ऐसा कुछ होगा तब जाके प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, सेम आएगा, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर तो सेम है, बट इट इज़ नॉट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होगा एवरी पॉइंट पे उसका टेम्परेचर क्या रहे, कॉन्स्टेंट। उसको हम बोलते हैं dT की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्लियर है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो इसमें बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ बाकी के लिए अब कर लोगे, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं बुरी तरह से, है ना, एडियाबेटिक को सोचते हैं कि आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक बिल्कुल अलग है, आइसोथर्मल बिल्कुल अलग है। एडियाबेटिक में सिस्टम जो होता है और जो सराउंडिंग होता है, इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे जो वॉल होता है वो एडियाबेटिक होता है, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल होता है ना, ये हीट के ट्रांसफर को अलाउ नहीं करता है। तो ये है आपका एडियाबेटिक वॉल, ठीक है, एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग होता है, ठीक है। तो इसमें सिस्टम में कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई एक्सप्लोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, या सराउंडिंग इसको हीट देगा या लेगा नहीं, ठीक है। तो ये एडियाबेटिक, तो इसमें क्यू जीरो है, ठीक है, क्यू जीरो है, क्यू जो है वो है हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर जो है ना, सॉरी, क्यू हीट कैपेसिटी नहीं, क्यू हीट ट्रांसफर है, तो क्यू जीरो है, ठीक है। तो जीरो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, है ना। बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि टेम्परेचर चेंज होगा बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, बट इट इज़, ये तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, आप गैस पे रख के चीज़ों को जलाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो आप हीट करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, ये आपने केस देखा है, बट आप बाकी केसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। जैसे मान लेते हैं अगर हम ये जो मान लेते हैं ये क्या है, ये आयरन बार है, ठीक है, आयरन बार है, क्या इसका हम टेम्परेचर बिना हीट का भी बढ़ा सकते हैं, है ना, क्या हम इसका टेम्परेचर बिना हीट का बढ़ा सकते हैं, वाई नॉट, हम इसके ऊपर एक हथौड़ा ले और इस हथौड़े से इस पर क्या करें, बार बार हैमरिंग करें, तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, यस, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा,
ठीक है, जैसे गाड़ी चलती है कार के टायर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्या हम उसको गर्म कर रहे हैं? नो, हम वहाँ पे दूसरे टाइप से उसको हीट कर रहे हैं। हम लोग आग जला के उसको हीट नहीं कर रहे हैं, बट वो हीटेड अप हो रहा है ना। या इवन जो सनलाइट है ना, वो अर्थ पे पड़ती है, पानी पे पड़ती है ना, फ्लोर पे पड़ती है, पत्थर पे पड़ती है, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। क्या हम उसको आग है ना हीट दे रहे हैं क्या? नो, हम उसको रेडिएशन दे करके उसको हीट है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। रेडिएशन दे करके हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर जो बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ हीट के कारण से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है ठीक है, हीट के भी कारण से बढ़ सकता है, रेडिएशन के कारण से भी बढ़ सकता है, या फिर हम मैकेनिकल वर्क कर दें है ना, उसको वो हैमरिंग करते जाएँ या उसको रब करते जाएँ है ना, जैसे हम हाथ रगड़ते हैं विंटर में, तो वहाँ भी आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं? यस हो रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे मैकेनिकल वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो एक कन्फ्यूजन नहीं रखना है बच्चों, है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है हीट ट्रांसफर, इसमें क्या होगा बोलो, जीरो होगा, बट टेम्परेचर माइट बी चेंज। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने का सिर्फ हीट ट्रांसफर ही कारक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस, डीवी जीरो होगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जनरली हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी सिस्टम होता है ना, तो उस सिस्टम का हम लोग प्रेशर वॉल्यूम की बात करते हैं ना, प्रेशर वॉल्यूम। ठीक, कोई भी हम ले सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम है ना, या वॉल्यूम ठीक है, या पी और टी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, तो पी वी ग्राफ में जनरली हम लोग पी वी की पावर एन है ना, मतलब ए से बी जाने के, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये टू डायमेंशनल प्लेन है, तो टू डायमें ए से बी के जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, इन्फाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, तो हम क्या कर सकते हैं, पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा हम बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन हम बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो बच्चों इसके ग्राफ्स जो हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप ये समझ में आए। अगर बच्चों आपको समझ में आता है, मैंने क्या कहा है कि मुझे भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो हमेशा बच्चों लाइक करते रहो। ठीक है, कुछ तो हमें चाहिए ना, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर मुझे भी नहीं लगेगा कि कोई देख भी रहा है, कोई उसको समझ भी रहा है। ठीक है, तो तुम्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए किसी से, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है ना मुझे पैसे दो या कुछ भी दो, है ना, हमें एक मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, जिससे कि मैं लगातार बनाता रहूँ। ठीक है, तो अब आपको देख लेना है, वैसे मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अगर ऐसा कोई लिखता है, कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, कोई डाउट लिखता है कि सर इसमें डाउट है या कुछ है, तो हमें लगता है कि नहीं, समवन इज़ वॉचिंग इट सीरियसली। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं और इसको प्रायोरिटी पे दूंगा, वैसे मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, बट उसके बाद आता है कि आदमी एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। थैंक यू वेरी मच।